प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है सड़क परिवहन मंत्री मेजर जनरल बीसी खंडूरी की। बात फौज से रिटायर हुए जनरल साहब पेशे से इंजीनियर हैं। सीधी सड़कें तो बखूबी बनाते रहते हैं, पर राजनीति की टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पर उनका फौज का अनुभव भी कुछ खास रंग नहीं दिखा पा रहा है। अब वो शहरी विकास मंत्रालय का कामकाज भी देख रहे हैं। सड़कों की खराब हालत के साथ ही दिल्ली के मास्टर प्लान पर उन्हें काफी कुछ सुनना पड़ रहा है। उन पर लगे आरोपों का क्या जवाब है उनके पास, आइए करते हैं मेजर जनरल बीसी खंडूरी से ही सीधी बात। जनरल खंडूरी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। आप एक साल में कितने किलोमीटर सड़क बनाते हैं? अभी हम जो वर्तमान में हैं, एक साल में, ये बात आप कर रहे हैं, मैं एक दिन में अब आपको बता दूं कि जो प्रधानमंत्री का प्रोग्राम चल रहा है नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसमें हम एक दिन में करीब 5.5 किलोमीटर की 4 लेन वाली सड़क आज बना रहे हैं। और अभी एक जो नया प्रोग्राम अभी शुरू हुआ किया है इस साल बजट में, जिसमें 10,000 किलोमीटर बनानी है 5 साल के अंदर, उसको भी आप अगर जोड़ दें तो करीब 10.5 से 11 किलोमीटर 4 लेन की सड़क प्रतिदिन इस देश में 2007 तक बनेगी। आपने कमाल कर दिया जनरल साहब कि आप किसी सदी के शेरशाह सूरी बनने जा रहे हैं। नहीं, ये जो प्रोग्राम है प्रधानमंत्री का है, मैं तो सिर्फ उसको कार्यान्वयन कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि 1947 से और 1997-1950 साल तक हम 11 किलोमीटर सड़क एक साल में बनाते थे, और आज इस सरकार के द्वारा 10.5 से 11 किलोमीटर सड़क 4 लेन वाली प्रतिदिन बनाई जाएंगी। जनरल साहब, मुझे लगता है मेरे को जितनी तेजी से आप सड़कें बना रहे हैं उससे ज्यादा तेजी सरकार सड़कें खराब होती भी चली जा रही है। तो पहले सड़कें खराब नहीं होती थी, साबित रहती थी, अब तो सड़कों की क्वालिटी इतनी खराब है, करप्शन है, सामान गलत लगता है, सड़कें जितनी आप बनाते उतनी टूट जाती है। नहीं, आपका कहना सही है कि सड़कें की हालत खराब है, लेकिन वो उन सड़कों की बात करते हैं जो पहले की बनी हुई हैं और जिनमें शायद इतना ध्यान नहीं दिया गया। आज इस सरकार के अंदर तहत जो सड़क बन रही हैं उनकी गुणवत्ता तो 1 साल 2 साल में क्या 10 साल तक की सड़क ठीक रहेगी जो अभी हम बना रहे हैं। लेकिन मैं साथ ही ये भी बता अगली सरकार भुगतेगी ना। नहीं, हम तो यही रहेंगे, सरकार कोई भी हो लेकिन लोग तो यही रहेंगे। और अभी भी जिस प्रकार से सड़कें बन रही हैं, जो लोग सड़क को देख रहे हैं कि कैसे बन रही है, 5-5, 6-6 फुट जमीन के नीचे से सड़क ऊपर बन रही है, तो मुझे एक चार्ज आपके ऊपर है कि ये सड़कें जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ बीजेपी की जहां सरकारें हैं या समर्थित सरदारें हैं वहां पर ज्यादा जोर दे रहे हैं आप, बाकी जगह आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं है, और अगर आप इसमें चाहते हैं तो विस्तार से आंकड़े हर प्रदेश में दिए जाएंगे। हम तो वहां पर काम करना चाह रहे हैं जहां पर भी हमको जमीन मिल जा रही है, और जैसे राजस्थान में है सड़कें बन रही हैं, और हमें आशा है कि यहां से दिल्ली से मुंबई तक करीब 90-95% 4 लेन सड़क हम इस साल के आखिर तक बनाने को दे रहे हैं। आपको पता है मध्य प्रदेश से होके जाएगी वो जो भी सड़क जाएगी बॉम्बे तक। जी, मध्य प्रदेश के बारे में कह रहे सबसे बुरी सड़कें कभी हैं तो मध्य प्रदेश के अंदर है, तो नेशनल हाईवे भी काफी संख्या में वहां पर है, तो उसकी हालत क्यों खराब है, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? नहीं, दिग्विजय सिंह की सरकार या आपकी जिम्मेदारी? नहीं देखिए, ऐसा है मध्य प्रदेश में जो यहां से जाएगी सड़कें मध्य प्रदेश से 4 लेन वाली, उसमें 2 प्रकार की सड़कें, एक तो राष्ट्रीय राजमार्ग है और दूसरे स्टेट हाईवे है। जो आप खराब सड़कों की बात कर रहे हैं वो सब प्रदेश के राजमार्ग हैं, और दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश के अंदर जहां मुख्यमंत्री पिछले 10 साल से हैं वहां सड़कों की हालत शायद देश के अंदर 1 या 2 नंबर पर सबसे नीचे से अगर आप ले तो वो है। लेकिन जहां तक आपके राष्ट्रमार्ग वाली सड़कें, राष्ट्रीय राजमार्ग वाली ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय मार्ग में हमको कुछ समस्याएं इसलिए हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो भी सुधार का पैसा केंद्र से जाता है उसका कार्यान्वयन, उसके रिपेयर वगैरह सब प्रदेश की पीडब्ल्यूडी करती है, इसलिए वो हमारी उसमें सीमाएं हैं, लेकिन उसमें पैसे की कमी नहीं है। तो आपका कहना मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट की पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है वो पैसा खाई जा रही है और क्वालिटी नहीं प्रोवाइड कर रही? अब ऐसा है कि ये तो वास्तविकता जमीन पर है वो है, लेकिन मैं वास्तविकता क्या है जमीन पर? वास्तविकता ये है, करप्शन है, इसमें कोई शंका नहीं है, करप्शन तो है। जैसे राजीव गांधी ने एक बार कहा था कि 1 रुपए में से 85 पैसे लोग खा जाते हैं, 15 पैसे लगते हैं। आपको लगता है सड़कों में जो आप पैसा देते हैं उसमें से कितना इंजीनियर लोग, पॉलिटिशियन लोग मिलकर खा जाते हैं और कितना सड़कों में लगता है? देखिए, ऐसा है जो राष्ट्रीय राजमार्ग है करीब 1,000 से 1,500 करोड़ रुपए हमारे साल देश के ऊपर देश में राष्ट्रीय राजमार्ग खर्चा कर रहे हैं। जहां पर ये पैसा सरकारें व्यवस्थित ढंग से चल रही है, क्वालिटी अच्छी मेंटेन करी, वहां पर सड़कें ये राष्ट्रीय राजमार्ग अच्छे हैं, लेकिन जहां पर अनेकों वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग का पैसा ठीक से उपयोग नहीं होता वहां पर। कौन से ऐसे राज्य हैं जिसमें आपको लगता है क्वालिटी अच्छी है? सड़कें ऐसी हैं जो खराब सड़कें, जो अच्छी सड़कों में गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इस प्रकार की सड़कों में जो पैसा दिया जा रहा है वहां पर आप देखिए सड़कें बड़ी। गुजरात में आपकी सरकार पिछले 10 साल, महाराष्ट्र में हमारी नहीं है, तो महाराष्ट्र की सड़कें भी आपकी अच्छी? महाराष्ट्र की सड़कें अच्छी हैं और वो ठीक से पैसा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक चीज और मैं आपके ध्यान में लाता हूं, ये केंद्र सरकार जो है सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए पैसा नहीं दे रही, हम हर साल
पिछले 3 साल से, ये चौथा वित्तीय वर्ष है, 1000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष केंद्र सरकार प्रदेशों को दे रही है उनके प्रदेश मार्ग ठीक करने के लिए। मध्य प्रदेश को भी करीब 60-65 करोड़। आप कंट्रोल नहीं है क्वालिटी के ऊपर कुछ भी नहीं। दिल्ली में आज हालत इतनी खराब है कि सड़क में निकल जाइए सारे खड्डे बने हुए, 25 सालों में इतनी हालत खराब नहीं जितनी है। तो आपको लगता नहीं है कि आप भी आंख मूंद लेते हैं नहीं। कि चलो वो लोग कुछ पैसे खा रहे हैं, हमारे लोग भी पॉलिटिशियन को मिले होंगे, सड़कों को बट्टा बैठने देते हैं। देखिए ऐसा है, हमारा जो देश का ढांचा राजनीतिक ढांचा है उसमें प्रदेश सरकार के अंदर कुछ सीमा तक सलाह मशवरा दे सकते हैं, हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हम उनको पैसा देते हैं, कार्य आजादी 57 की है, कोई शिकायत आने पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर तो हम कुछ यहाँ से जांच वगैरह करते हैं और सलाह बराबर देते रहते हैं। आप बार बार राष्ट्रीय नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं, आपके नेशनल हाईवे के अंदर भी 2003 में जो आपने पूरा करना था वो 2004 में जाके हो रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है, आप है कि नहीं? आप देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्रधानमंत्री की जो एनएचजेपी की उसकी बात कर रहे हैं। मैं 2000 के नवंबर में मैंने मंत्रालय का भार माननीय प्रधानमंत्री जी मुझे दिया था और उस समय स्वर्णिम चतुर्भुज का जो पहला हिस्सा है दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, आपके टारगेट से भी पीछे है ना? नहीं, टारगेट से पीछे नहीं है। 2003 आपने खुद टारगेट से किया था ना, 2004 से आपने 2003 कर दिया। मैं आपको समझा बताता हूँ, एक मिनट सुन ले मुझे। ये इसका टारगेट जो प्लानिंग कमीशन और इत्यादि के द्वारा 1999 वगैरह में बनाया गया था वो मार्च 2005 का स्वर्णिम चतुर्भुज दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता था। जब मैं 2000 में आया तो मैंने ये ध्यान में रखा कि आज हमारे देश के अंदर हर काम के अंदर टाइम एंड कॉस्ट ओवरन चलता है। मैं इंजीनियर बैकग्राउंड का हूं इसलिए मुझे उससे मालूम है कि हर जगह हम लोग मिलिट्री बैकग्राउंड के भी तरह ना नेता तो बंदूक लेके खड़े हो जाएंगे। इसलिए मैंने अपने मंत्रालय में अपने लोगों को कहा कि ये 2005-2004 नहीं चलेगा, मैं इसको 2003 तक क्यों नहीं पूरा कर सकता हूँ। हमने अपने लिए कारण किया था, वो टारगेट नहीं चेंज किया, मतलब अपना टारगेट आप अचीव जो करना चाहते थे नहीं कर पाए। नहीं कर पाया, उसके लिए मुख्य वजह है। अब मैं ये कहता हूँ कि अगर शायद हमको जिस प्रकार से सोचा था कि सब चीजें मिल जाएंगी, आज भी हमारे पास जमीन जिसके ऊपर हमने बनाना है, एक प्रदेश में 87% जमीन हमको नहीं मिली है, तो हम हवा में सड़क बना नहीं सकते। कौन सा प्रदेश है जिसमें आपको जमीन 87% नहीं मिली है, ऐसा कौन सा प्रदेश है? देखिए ऐसा है, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में 42% नहीं मिली है, किसी में 25% नहीं मिली है, और इसलिए हम ठेके दे में ठेके सब जगह चल रहे हैं, और वही ठेके अगर हमको एक साल पहले सड़क मिल जाती तो पूरा हो जाता। अगर जमीन को अधिकृत करने के मामले को अगर आपको देखना, कौन सा ऐसा स्टेट है जो राज्य है जो सबसे बदतर हालत में है, जिसने आपको जमीन नहीं दी सड़कें बनाने? देखिए ऐसा जो समस्याएं हैं जमीन पीओ पर, उसमें मैंने कहा मैं राज्य का नाम पूछ रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं ना, 87% जैसे तमिलनाडु में नहीं है, 42% हमको जमीन महाराष्ट्र में नहीं मिली है। तमिलनाडु के अंदर समस्या क्या है कि बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर सड़क के बगल बगल में, बहुत बड़ी बात है। डिजाइन क्यों बनाया जो सड़क के स्ट्रक्चर आपके सड़क से जा रही है, आप बाईपास की नहीं बना? जहां पर बाईपास संभव था, लेकिन कुछ शहरों में ऐसा है कि बाईपास की गुंजाइश है ही नहीं। आप बिल्कुल सही करें, बनाए हमने बहुत सारे बाईपास, और इसीलिए हम आज आपकी योजना भी कागजों के ऊपर बनती है, वहां पर जाके देखते नहीं कि सड़क बन सकते कि नहीं, आप तो घरों के ऊपर से छत के ऊपर से बना देंगे सड़क। ऐसा नहीं है, कहीं पर मजबूरी होती है, कोई दूसरा। 87% आपका सड़कें ऐसे रास्ते से जा रही है जहां लोग मकान बना के बैठे हैं, तो आपके इंजीनियर ने कहीं ना कहीं तो हवा में नक्शे बनाए। ऐसा 87% सड़कों नहीं है, करें कहीं पर दूसरी वजह, जमीन सब जगह ऐसे व्यवधान नहीं है, लेकिन जो प्रक्रिया है लैंड एक्विजिशन करने की वो इतनी जटिल है और वो सब प्रदेश के माध्यम से करनी पड़ती है, उनमें समस्याएं। तो तमिलनाडु सबसे नंबर वन, उसके बाद दूसरा प्रदेश महाराष्ट्र में है, हमको ज्यादा मुश्किल। 43%। बिहार में अच्छी कोऑपरेशन मिल रही है? बिहार में जमीन, ये तो जमीन तो हमने ले ली है, लेकिन वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। कई जगह पर हमको एनवायरमेंट की, फॉरेस्ट एनवायरमेंट क्लियरेंस बहुत लंबे समय लगता है। एक जगह पर हमको, एक दो जगह पर कोर्ट केस है, 19 महीने कोर्ट की वजह से विलंब हुआ है। तो इसलिए ये है, इसलिए जो मेरा टारगेट आप बता रहे हैं वो मैंने अपने आप लिए निश्चित किया था और उसके हिसाब से भी हम काफी आगे बढ़े हैं। जनरल साहब, जो राजनीति का टेढ़े मेढ़ा जो रास्ता अपना अपना रहे हैं, इसके ऊपर बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।